हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। और नहीं भी होंगे तो हो जाओ, क्योंकि आज लेकर आया था मैंने एक छोटा सा व्लॉग। हम खाने के लिए क्या कमाते हैं, कैसे कमाते हैं वो दिखाएंगे। इतने सालों से इतना बड़ा मैं कैसे हुआ, मेरा अब्बा ने कैसे कमा के मेरे को बड़ा करा, आज वो दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो चलते हैं गैरेज कन्हान मेरा अब्बा की, आज काम करेंगे वहाँ दिखाएंगे। तब तक के बने रहो। तो अभी हम लोग, मैं जाने के लिए रेडी हो गया हूँ, थोड़ा सा एसिड ले लिए, और ये पप्पा की गाड़ी, पप्पा गए हुए हैं शादी में। ठीक है, इसलिए काम करना है हमारे को। अभी शाम के बज रहे हैं 6, एसिड दिखा दो आपको। देखो ये एसिड से हम काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बने रहो। ये है तेजाब की डब्बी। हमारे ट्राइपॉड काम करते करते हम बनाएंगे वीडियो, चलते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग गैरेज पहुंच गए थे, और गैरेज पहुंचने के बाद जो ये रेडिएटर पड़ा हुआ है, ये रेडिएटर है धान मशीन का। धान मशीन तो आप लोगों को समझता ही होगा, तो ये धान मशीन का रेडिएटर है। तो अभी हम लोग ने इसको, हमारे को साफ़ करना था, कस्टमर ने बोला था साफ़ करना था। तो कस्टमर को मैंने बता दिया पहले कि भैया ये दो तरीके से साफ़ होता है, एक पूरा खोल के जिसके पैसे ज़्यादा लगेंगे, और एक ऊपर ही ऊपर और अंदर से सफाई होती है जिसमें थोड़े से कम पैसे लगेंगे। तो ये रेटर के हम लोग ने उसको 1500 रुपये बताए थे। तो इसको हम लोग ने कैसे साफ़ करें, ये आप वीडियो में देखते रहो, जब तक के सब्सक्राइब और लाइक कर दो। तो चलो शुरू करते हैं फिर। अभी हम लोग ने रेडर को सुला दिए थे, अब इसके अंदर हम लोग एसिड और पानी मिला के उसके अंदर से डालेंगे, जिसकी वजह से अंदर का कचरा पूरा साफ हो जाएगा। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं। और हम लोग ने फिर तार का पिन लिए, पिन से हम लोग उसके अंदर जितना भी कचरा फंसा हुआ था वो कचरा हम लोग ने उससे साफ़ किए। साफ़ किए इसके मतलब उसको निकाले, या आप देख ही सकते हैं ये पूरा, देखो कैसे से मट्टी उसकी पूरी निकल गई है। तो ये चारों साइड था, ऊपर नीचे अंदर बाहर आगे पीछे, तो हम लोग ने इसको बढ़िया उससे निकाल दिए। और निकालने के बाद इसके अंदर जो पानी था, इसको पानी को डाल दिए। और तो रेडिएटर इतना भारी था यार, तुम्हारे को क्या बताओ, इतना दिमाग ख़राब हुआ मेरा। एक तो मैं अकेला था, शूट करने वाला भी कोई नहीं, कैमरा पकड़ के तो कैमरे को उधर रखना पड़ा, और कैमरा रख के शूट करना पड़ा। रेडिएटर बहुत भारी रहता है, और ऊपर से आवाज़ भी नहीं, तो बोल बोल के शूट करना पड़ा, खुद से इधर ऑडियो डालना पड़ा। ये पानी निकाल दी थी, आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा पानी निकला। फिर इसको हिला के हम लोग ने थोड़ा सा और उसको अच्छे से पानी निकाल दिए। फिर उसको तो बहुत दिक्कत आ रही थी यार, पप्पा पता नहीं कैसे करते बेचारे, 25 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पप्पा को ये काम का, 25 साल से उनकी कन्हान कांजरे में गैरेज है। फिर हमने इसके अंदर एसिड और पानी मिलाए, ब्रश की मदद से इसको ऊपर का साफ़ किए। और फिर ऊपर का साफ करने के बाद हम लोग ने तार का ब्रश लिए थे, जो तार के ब्रश से हम इसको बढ़िया पूरा घसेंगे अच्छे से चारों तरफ। इसके जो बॉटम वगैरह है, इसको तार के भरस से घसना पड़ेगा। और ये जो रेडिएटर और इसके जो टॉप और बॉटम रहते हैं, ये थे कॉपर के, कॉपर मतलब तांबे के थे ये। इसमें एलुमिनियम के भी आते हैं, और शायद लोहे के भी आते हैं, पता नहीं, वो तो मैंने देखा नहीं। तो इसको बढ़िया हम लोग ने ब्रश की मदद से बढ़िया इसको हम लोगों ने अप्लाई कर दिए थे लिक्विड एसिड को, और पानी में ला के बड़े इसके ऊपर अप्लाई कर दिए। और अप्लाई करने के बाद हम लोग इसको फिर यानी पूरा तार की ब्रश की मदद से इसको घसेंगे, और घस के इसको जितना साफ़ होता है हमारे से, हम उसको उतना साफ़ करने की कोशिश करेंगे। कैसे पप्पा रहते हैं, तो पप्पा तो महाराजा है काम के, लेकिन पप्पा उस दिन शादी में गए थे, पप्पा बोले काम आया बेटा चले जाओ, तो बोले चले जाओ, इसी बहाने एक और व्लॉग मिल जाएगा मेरे को डालने के लिए। अब देख सकते हैं ये ब्रश ले लिए थे हमने, अब ये ब्रश से हम घस रहे। और ये ब्रश में ऐसा रहता है यानी तुम्हारे को पूरा देख के इस्तेमाल करना पड़ता है, अगर से जरा जरा सा कहीं भी पड़ गया और एक लीकेज भी पड़ गया तो तुम्हारा बहुत लंबा नुकसान हो जाएगा।
तो बहुत सोच समझ के ब्रश का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और वीडियो इतना लंबा हो रहा था, दैट्स वाई इसको हम लोग ने स्पीड बढ़ा दी। तो वेलकम बैक। जैसे आप देख सकते हैं, जो हम लोगों ने इसके ऊपर पानी डालना स्टार्ट किया है और इसके ऊपर जो पूरी जितनी मट्टी थी इधर से पानी डालने की वजह से उधर सेट से वो बाहर हो जा रही थी, और उसको निकालना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि हवा पास नहीं होती तो इसके अंदर का जो है वो रेडिएटर ठंडा नहीं करता गाड़ी को, और इसके अंदर पानी और कूलेंट रहता है। अब इसको मैंने इसको खड़ा कर लिया था, अब खड़ा करके मैं लेके जाऊंगा इसको सर्विसिंग पे, जहाँ अपन गाड़ी वगैरह सर्विसिंग करते हैं ना, तो वहाँ सर्विसिंग सेंटर ले जाना था। एक तो इतना भारी था यार, मेरे को अकेला ले जाना पड़ा, बहुत दिक्कत हुई ले जाने में। एक तो उठाना बिठाना चार बार वही काम, बहुत। एक तो मैंने नए नए कपड़े पहन के गया था और पूरे कपड़े मेरे ख़राब, लेकिन क्या कर सकते हैं, पैसा कमाएँगे तो नए कपड़े भी ले लेंगे। देख सकते हैं आप लोग ऊपर में कि उन्हें कैसे अकेले लेके गया। और बहुत ही मुश्किल के बाद मैं गाड़ी से लेकर पहुंच गया सर्विसिंग सेंटर। अब सर्विसिंग सेंटर पे हम पानी मार के इसको अंदर से बढ़िया पूरा साफ़ करेंगे, और वीडियो भी धोखे से उल्टी हो गई, कोशिश करेंगे कि इसको सीधी हो जाए। हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। अब इसको बढ़िया साफ़ करने के बाद हम गैरेज पे आ गए थे, गैरेज पे हम पानी डाल के इसको चेक करेंगे बढ़िया से साफ़ हुआ कि नहीं हुआ, एक बार पानी निकाल के देखेंगे, ठीक है। बाकी देखते रहो, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तुम्हारे भाई की मेहनत को शेयर करो, ठीक है। और इतनी मेहनत करके हमारे पापा ने हमारे को बचपन से पाले हैं, ठीक है। तो किसी के भी पेरेंट्स रहे, मेहनत बहुत करते हैं अपनी औलाद के लिए, तो उनकी कदर करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, और बुढ़ापे में उनकी मदद करो, उनका सहारा बनो, ठीक है। ना कि उनके ऊपर चढ़ो, ना कि उनकी बातों को काटो, ठीक है, तो उनका सहारा बनो। और दिखते रहो मेरा काम, तो बने रहो। वेलकम बैक। इसके अंदर हम लोग ने पानी डाल दिए थे, पानी डाल के इसको खड़ा कर दिए। अब हम इसको चेक करेंगे कि भैया ये कितना साफ़ हुआ, ठीक है। इसको बढ़िया पहले हम लोग ने चेक कर लेते हैं, यानी लीकेज वगैरह है कि नहीं, कहीं से अगर से लीकेज होगा तो बाद में दिक्कत ना आ जाए, दैट्स वाई इसको हम लोग ने अभी चेक करेंगे। और आप लोग देख ही सकते हैं मेरे कपड़े बहुत बुरे हाल हो गए थे यार, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। ये देखो मेरे कपड़े कैसे हो गए, अब इतने गंदे होने के बाद क्या कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग ने चेक करके लीकेज नहीं था, कस्टमर को रेडिएटर दे दिए, और देने के बाद ये दुकान का शटर गिराता हूँ क्योंकि थक भी बहुत गया था मैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अकेला था, कोई था भी नहीं इतनी रात में साथ में जाने वाला, तो दुकान का शटर मैंने गिरा दिया। और गिराने के बाद ये ताला लगाया, नहीं ताला लगाने का हो, ठीक है। तो अभी ये शटर का ढक्कन क्या बोलेंगे, तो ये ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जय हिंद, जय महाराज, जय यूट्यूब, बाय बाय।